ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी रात को ज्वाइन नहीं कर रहे थे सब्सक्राइबर, तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे है, आफ्टरनून में सेशन लिया जाए, तो कोई नए लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अभी देखिए, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो थी अपनी, स्ट्रेटेजीज का स्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड का इशू था। दैट इशू इज सॉल्व नाउ। तो अभी जो है, 1 महीना भर आपको पूरा चलाना होगा ये स्ट्रेटेजीज। जैसे सुपरस्टार जो बैंक निफ्टी में काम करती है, और क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी जो है वो एमसीएक्स में काम करती है, और बिटकॉइन वाली, अभी बिटकॉइन में एक नया अपडेट है, वो डेल्टा एक्सचेंज का ट्रेट्रॉन वाले जो है वो ऐड कर रहे हैं अपना ब्रोकर और एक्सचेंज में। पहले सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल था, अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी आ रहा है। उसमें भी थोड़ा एरर अभी चल रहा है, एक्चुअली मंडे तक सॉल्व हो जाएगा, मतलब अगले हफ्ते हमको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मिल जाएगा। तो उधर भी $50 का एसएल और $100 का प्रॉफिट, और उसका भी जो है पर्टिकुलर टाइमिंग है, और टाइमिंग के हिसाब से उसको अगर चालू करेंगे, रात को 7 बजे करना है मंडे टू थर्सडे, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे करना है, तो दिन के 2 काउंटर भी हमको मिल गए। कभी कभी एसएल भी गया तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा हमको, $50 का सिर्फ एसएल लगा है। तो हमारे कंटिन्यू 2-3 लगातार प्रॉफिट आ गए, एक एसएल गया तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सुपरस्टार में भी ऐसा किया हुआ है। अभी ये सीपीआर का रोल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अपने स्ट्रेटेजी में, क्योंकि सीपीआर जब नैरो रहेगा तो ये स्ट्रेटेजी, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, और जब मूवमेंट आएगा तो स्ट्रेटेजी अपने अच्छी तरह से काम करती है। कोई भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी होगी, उसको मूवमेंट चाहिए, अपसाइड या डाउनसाइड जो कुछ है। वोलाटाइल मोमेंटम अगर होगा तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, और उधर प्रॉफिट बुकिंग जो हमने सेट किया है 2,000 रुपये का, 1,000 रुपये का एसएल है और 2,000 रुपये का टेक प्रॉफिट है। तो ये हिट होने के लिए, प्रॉफिट हिट होने के लिए ऑप्शन को मूव करना पड़ेगा, और ऑप्शन को मूव होने के लिए उसका मोमेंटम अच्छा चाहिए। तो उसके लिए सीपीआर जब नैरो रहता है तो अपना मोमेंटम ऑप्शन में अच्छा आता है, और बुकिंग इधर फास्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, साइडवेज अगर मार्केट गया तो कंटिन्यू एसएल लेता जाएगा। तो हम एसएल भी ज्यादा नहीं देने वाले, दो एक दो एसएल हो जाने के बाद पॉज करना है, वो अपने ऊपर है। अभी सिर्फ लॉस को अभी हमको कंट्रोल करना है, प्रॉफिट तो हम कमा ही लेंगे। एसएल अगर ज्यादा जा रहे है, सीपीआर वाइड है, एक दो काउंटर तक आप वेट कीजिए, और उसके बाद स्ट्रेटेजी पॉज कर दीजिए। और जब सीपीआर नैरो है, या अभी इलेक्शन का ये पीरियड आपको लग रहा है कि वोलाटाइल हो जाएगा मार्केट, तो उसको कंटिन्यू ऑन रख के जो है वो प्रॉफिट जो है वो मार्केट से हम कमा लेंगे। एक्चुअली हफ्ते में एक बार भी हमारा सीपीआर अगर नैरो है तो भी हमारा काम बन जाएगा, आराम से 30-40% रिटर्न हम कमा लेंगे। अभी जब सीपीआर नैरो है तो हमको 4-5,000 आराम से मिल जाएगा उस दिन, मोमेंटम अच्छा जाएगा। तो ऐसा एक हफ्ते में एक एक ही दिन अगर आ गया कि वो अच्छा मोमेंटम है, उधर हमारा प्रॉफिट भी बन गया, तो बाकी दिन हमको ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं, ऐसा देखा जाए तो। लेकिन फिर भी हम जब वाइड होता है तो एक दो ट्राई करने के लिए देंगे मार्केट को, उसमें अगर एसएल जाता है तो हम बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और क्रूड ऑयल में भी सेम वैसा ही है, उधर भी सीपीआर ही देखना है हमको। सीपीआर अगर नैरो है तो उधर भी हमारा काम हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, और बिटकॉइन में वो सब देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रात को 7 बजे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे अलार्म लगाना है आपको, क्योंकि उसमें टाइमिंग नहीं डाल सकते। अभी जो ट्रेट्रॉन के कीवर्ड से उसमें थोड़ा सा इशू है, उनसे बात चल रहा है अभी, तो आपको ही वो मैन्युअली स्ट्रेटेजी चालू करनी पड़ेगी। मतलब पॉज तो करने की जरूरत नहीं है, एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा स्ट्रेटेजी, ऐसा है। तो सुबह तक आपको एक दो काउंटर मिल भी सकते हैं, कोई एसएल भी जा सकता है। तो एसएल गया तो भी कोई इशू नहीं आएगा, $50 का एसएल है, $100 का टेक प्रॉफिट है,
और अभी ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आ गया, तो अपना विड्रॉल डिपॉजिट ये रुपीज में हम गूगल पे, फोन पे और ये ऐप से कर सकते हैं, और इमीडिएट उधर डिपॉजिट हो जाएगा, विड्रॉल भी हो, मतलब इंडियन रुपीज में हो जाएगा ही, तो उसका जरूरत नहीं अभी। ये डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल में जो इशू था, डिपॉजिट करने के बाद 2-3 दिन लगता था रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो वो इशू अब नहीं आएगा इधर, आपको इमीडिएट हो जाएगा। तो इसलिए वो ट्रेट्रॉन के साथ हमने कनेक्शन बना के रखा था, उसका आउटपुट भी दिख रहा है, और ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का उन्होंने वो ट्रेट्रॉन के साथ वो कनेक्शन करने के लिए जो कुछ सेटअप था, वो सेटअप के लिए वो काम करना उन्होंने चालू कर दिया है। तो अभी अगले हफ्ते तक वो भी रेडी हो जाएगा। तो तीनों, सिर्फ तीन ही स्ट्रेटेजी रखी है अपना, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल एंड बिटकॉइन, बस। तो तीनों में रिस्क रिवॉर्ड है, इसको कंटिन्यूअसली 1 महीने तक यूज करना है आपको, तो ही आपको जो है उसका रियल जो उसका कैपेसिटी है स्ट्रेटेजी का वो पता चल जाएगा। और मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो इसमें इशू नहीं आएगा। अभी मैनुअल ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट होता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आता है। अभी इसमें तो अल्गो की जरिए हम कट करने वाले हैं ट्रेड, मतलब 1,000 के ऊपर लॉस गया तो कट होगा, 2,000 के ऊपर ट्रेलिंग चालू होगा, मतलब 2 का 3,000 भी कभी कभी मिल सकता है। जब तक वो 10% नहीं नीचे आ जाता तब तक वो ट्रेलिंग जो है वो करता रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी का ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, किसी के पास स्ट्रेटेजी का लिंक नहीं। ग्रुप में तो सब है ना, ये जो अभी ज्वाइन हो गए वो ग्रुप में मैंने सब डेटा डाल रखा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हेलो, हेलो हाँ, बोलिए ना। सर, ये अभी जो विक्स 18 के पार गया है उससे कुछ फर्क पड़ेगा इसमें अभी? बहुत फर्क पड़ने वाला है, ये विक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना वोलाटाइल हो जाएगा मार्केट, और जितना वोलाटाइल होगा बायर के लिए उतना ही अच्छा है। अभी ये सेलर पैसे नहीं कमा रहे, सेलिंग स्ट्रेटेजी टोटली स्टॉप हो गई है, क्योंकि इतना ये मोमेंटम हो रहा है मार्केट में, वो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। सेलर क्या करते थे, कम प्रीमियम वाला सेल करके वो प्रीमियम ले लेते थे, लेकिन इधर 10 रुपए का प्रीमियम 100-150 तक जा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए भी। तो ये अभी बाइंग वाला ही अभी इसमें चल सकता है, ये जो पीरियड है अभी इलेक्शन का सेटल होने तक बाइंग स्ट्रेटेजीज ही चलेंगे मार्केट में, और बाइंग का ही अभी ये क्या हो रहा है, हर दिन एक्सपायरी है, तो ये कुछ ना कुछ तो मोमेंटम आता है, तो अच्छा इसलिए हम बाइंग पे स्टिकअप करके बैठे हैं, बाइंग वाली चल जाएगी। और ये विक्स बढ़ रहा है वो अपने स्ट्रेटेजी के लिए अच्छा है वो, हाँ सर, पहले 17 से अब 18, 18.5 हो गए। नहीं, अभी शायद जब विक्स बढ़ता है तो बहुत बड़ा फॉल आता है, ऐसा देखा है, जब वो मार्च 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत विक्स बढ़ गया था। तो हाँ सर, मेरे हिसाब से ये क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, फिर ये इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर उठा देंगे मार्केट, क्योंकि अभी वो ऊपर लेके जाएंगे तो फिर उनको ये नहीं रहेगा इंस्टीट्यूशन को, अभी नीचे जाएंगे फिर नीचे से वे सब जो रहेंगे बायर्स उनको निकालेंगे, और फिर उधर से जो है वो मार्केट ऊपर लेके जाएंगे वो। हाँ, मार्केट को हल्का हाँ करेंगे, थोड़ा नीचे ले जाकर सबको बाहर करेंगे, नीचे उसके ले बाद जाके लिक्विडिटी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्रिएट के। करेंगे, तो उधर उनको क्या है, बाय करने के लिए सेलर मिल जाएंगे, लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। और जैसे मार्च 2020 में हुआ था, पूरा नीचे ले जाके लिक्विडेट कर दिया पूरा मार्केट, और उधर से वो अप मूव आ गया, और वो अप मूव रुका ही नहीं, सेम वैसा ही होने का चांस है। हाँ, ये लिक्विडिटी की तलाश में करते हैं सभी, अभी एक ही अच्छा जगह मार्केट रुका रहा तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी ना, ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ सेलिंग बाइंग कुछ तो एक्टिविटी होगी, तो वही चल रहा है उनका अभी, ये नीचे लेके जाके फिर से उधर से उठा लेंगे मार्केट ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है अभी
चल रहा है, देर आर मेजर चांसेस, अपना जो पॉलिटिकल पार्टी का है वो विन होने का चांसेस है अभी जो है, तो वो आने के बाद फिर बहुत बढ़ने वाला है मार्केट, ऐसा है। अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एलिस ब्लू का अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, आज कर रखा है टाइम सर, लगेगा। आपके आपके अंदर ही कर रखा है। हाँ, नहीं बाकी लोग जो कुछ है, क्योंकि बहुत कम है ब्रोकरेज और अच्छा उनका सर्विस एपीआई फास्ट है अच्छा, उसका, वो एपीआई बहुत अच्छा बहुत है फास्ट है, बहुत फास्ट है वो, एलिस्ब्लू पेपर ट्रेडिंग से आगे का। जाता हाँ है वो, हाँ बहुत मैंने फास्ट चेक है। किया हाँ है, तो बहुत फास्ट है उसका। बहुत फास्ट है, बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और अभी क्या है, डर नगले, अभी जब मैं ट्रेड करने बैठूंगा तो मुझे मालूम है कि कितना ये सेल जाने वाला है, कितना प्रॉफिट हो, तो कैसा है, गैम्बलिंग टाइप नहीं होगा ये? पहले थोड़ा सा होप में रहता था, लेकिन वो भी काम कर रहा था, ठीक है, अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही जाएंगे, और ये स्ट्रेटेजी हमारा प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है उसमें, तो ये भी मतलब बहुत अच्छा काम करने वाला है, 1 महीना भर चलाइए आपको वो पता चल जाएगा। और कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम कर दिया, अभी 50,000 ही किया है, तो एनी वन कैन टेक पार्ट इन दिस। क्रूड ऑयल में भी कम है, 60-70 में हो जाएगा, और एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल और बैंक निफ्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का टाइमिंग है होती है मतलब 3:30 बजे वो चालू होगा, जब ये इधर का खत्म हो जाएगा बैंक निफ्टी का, तो वो क्रूड चालू हो जाएगा। और अभी ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आने के बाद भी वो बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो टैक्स का इश्यू साल हो जाएगा, वो उन्होंने इंडियन रेगुलेशन वगैरह सब के साथ वो टाइप कर लिया है, सिर्फ उधर वो हम बाय करके बिटकॉइन का फ्यूचर बाय करके होल्ड नहीं कर सकते, इंट्राडे हम कर सकते, इंट्राडे के लिए कोई मतलब वो 30% टैक्स वाला सिस्टम नहीं है, जो हम इधर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भरते हैं कैपिटल गेंस के लिए, उतना ही उधर भी आने वाला है। तो डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल में मत कीजिए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ही अकाउंट ओपन कीजिए, सबके लिए अच्छा है वो, विड्रॉल डिपॉजिट और बाकी सब चीजें जो है यूपीआई से कर सकते हैं हम, इमीडिएट इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाएगा उधर। और कोई क्वेश्चंस? सर इसको प्राइस एक्शन के साथ भी जोड़ सकते हैं क्या, जैसे कि कुछ ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकआउट हो चुका है, मैं ऑन कर दिया है, अब ब्रेकआउट फेल भी हो जाता तो भी मेरे को प्रॉफिट हो सकता है उसमें। नहीं ठीक है ना, ब्रेकआउट आपको दिख रहा है कि हो रहा है तो ऑन कर दीजिए उसको, वो करेगा, प्राइस हाँ एक्शन के बेसिस पे है वो, इंडिकेटर नहीं ले उसने, इसीलिए तो वो काम कर रहा है। अच्छा, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही काम करेगा वो। ओके ट्राई कीजिए आप, मंडे से अच्छे से रिजल्ट आएंगे उसके, जब सीपीआर नैरो है तो पूरा दिन चलाना है, वो करेगा आउटपुट निकाल के देगा, इसको सिर्फ मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम है तो कर लेगा काम अपना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करना पड़ेगा फिर। कोई नए नए मेंबर्स अभी जो ऐड हुए, वो कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपके लिए ही है, आपके कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज अभी सैटरडे संडे जो है वो मोस्ट ऑफ द पब्लिक रात को बाहर रहते हैं, मतलब वीकेंड पे रहते हैं। सर, आवाज नहीं आ रहा है, रेंज में आ जाइए थोड़ा, आप सर रेंज रेंज में आ जाइए थोड़ा, रेंज में नहीं है, इनका आवाज नहीं आ रहा है। और कोई क्वेश्चन है क्या दूसरा? ठीक है, तो सेशन क्लोज करते हैं अभी, फिर कभी सेशन रहेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन हो जाइए, और तीनों स्ट्रेटेजी का लिंक भी मैंने
ग्रुप में डाल रखा है, चाहे तो मैं फिर से देता हूँ, जिनके पास है उनको स्ट्रेटेजी फिर से लगाने की जरूरत नहीं, उसी स्ट्रेटेजी में वो इफेक्ट आ जाएगा, जो कुछ चेंजेस हुआ है वो, उसका कुछ इश्यू नहीं है। और पेपर ट्रेड करते रहिए, आपको स्ट्रेटेजी की जो है कैपेसिटी पता चल जाएगी। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में भी सोचिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट वो बंद होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूसली 24/7 चालू रहता है, और सैटरडे संडे भी बंद नहीं रहता है। सैटरडे संडे कुछ मोमेंटम नहीं रहता है उसमें, लेकिन कर सकते हैं काम, मंडे टू थर्सडे फ्राइडे तक भी कर सकते हैं, कोई हॉलीडे नहीं है, कुछ कुछ इश्यू नहीं है उसमें, तो वो बेटर है ऑप्शन। मैक्सिमम जो है ट्रेडर प्रोफेशनल उसमें ही ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी भी अभी रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ट्रेट्रॉन पे उन्होंने तो काम चालू किया है, अभी थोड़ा पोजीशन बिल्डर में कुछ इश्यू है उनका, वो सॉल्व हो जाएगा अगले हफ्ते तक, तो उसके अगले हफ्ते से हम उसमें भी ट्रेड चालू कर देंगे। तो ठीक है, अभी मंडे से पेपर ट्रेड कीजिए और रिजल्ट देखिए आप, और अपने फ्रेंड्स को स्ट्रेटेजीज फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी बताइए मैनुअल ट्रेडिंग बंद करने के लिए, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग से जो है इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, और मैक्सिमम लॉसेस उसके वजह से होते हैं। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो आल्गो ट्रेडिंग से हम कर सकते हैं, उससे हमारा कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो उसके बारे में सोचिए। ओके, तो आज के लिए बंद करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, अगले वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक आपको मिल जाएगा, फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। कोई रहेगा क्वेश्चन तो पूछ लो आखिर, मैं बंद करने वाला हूँ। सर डेली कितना ट्रेड होता है सर एवरेज? ट्रेड का वो कैलकुलेशन मत कीजिए आप, आपका कैपिटल बढ़ना चाहिए। ट्रेड तो 20-30 हो जाएगा कुछ, लेकिन वो आपका जो प्रॉफिट है उसका 5 to 10% ही होगा, उसका कुछ ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट आया 1,000 रुपये और उसके ज़्यादा आगे चला गया, वो ऐसा नहीं होगा, उसका इशू नहीं है, आपका प्रॉफिटेबल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ओके कॉन्सेंट्रेट। हाँ, उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एट द एंड जीत जाएंगे, ये बाकी सारी चीजों के साथ अगर आप ज्यादा ये करने लगे तो फिर वो मेन जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो निकल जाएगा, फिर ऐसा है। आप पेपर ट्रेड कीजिए मंडे से। ओके, बंद करते हैं अभी।